घर में अपनी माँ हैं, पिताजी हैं, तो बेटे और बेटी को चाहिए कि अपने मन में यही भाव रखे कि ये मेरे माता पिता हैं। जिस शरीर के द्वारा मैं गुरु की कृपा पाकर ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता हूँ, वो शरीर मुझे मेरे माता पिता से मिला है। मैं मेरे माता पिता का आदर करूँ, उनका अनादर कभी न करूँ। सदगुरु से सारस्वत मंत्र की दीक्षा लेकर मैं मेरे माँ बाप का नाम भी उज्जवल करूँ और अपनी भक्ति बढ़ाऊँ, अपना भी कल्याण करूँ, मेरे को भी सदबुद्धि मिले। मैं भी भगवान में, भगवत प्राप्त गुरु में सत्य बुद्धि करके इस छूटने वाले संसार की आसक्ति छोड़कर अछूट ईश्वर में अपनी प्रीति बढ़ाता चलूं। बस ये शरीर कब तक रहेगा, कितने साल, जिंदगी के कितने साल बीत गए ये सबको पता है, जिसकी जितनी उम्र है। पर अब कितने बाकी हैं ये किसको पता है, कितने बीत गए ये सबको पता है पर कितने बाकी हैं ये किसी को पता नहीं है। इसलिए व्यक्ति को सत्संग के द्वारा अपना विवेक बढ़ाने की खूब जरूरत है, अपनी बुद्धि बढ़ाने की खूब जरूरत है। एक आदमी को पक्षी पालने का शौक था, तो वो आदमी एक दिन एक तोता खरीदने गया। दुकानदार बोला कि ये हमारे यहाँ तोता ऐसा है कि इसका एक पैर पतला धागा बांध कर एक पैर खींचो दायां, तो ये बोलता है सीताराम 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 सीताराम, और अगर इसके बाएं पैर में धागा बांध कर वो खींचो तो वो बोलता है राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, भगवान का नाम बोलता है। दायां खींचो तो सीताराम, बायां खींचो तो राधे श्याम, ऐसा दुकानदार ने बोला। तो खरीदने वाले ने कहा कि दायां खींचो तो सीताराम, बायां खींचो तो राधे श्याम, अगर दोनों पैर खींचे तो क्या बोलेगा। तो तोता बोला बेवकूफ, फिर मैं गिर नहीं पड़ूंगा नीचे, इतनी भी अक्कल नहीं है, इतना तो विचार कर, इतनी अक्कल तो होनी चाहिए कि दोनों पैर तू खींचेगा तो मैं गिर पड़ूंगा। मनुष्य कैसा हो गया, कम से कम इतनी तो अक्कल रखे कि दोनों पैर में खींचूंगा तो वो गिर पड़ेगा। मैं कम से कम इतना विवेक तो रखूं कि जिसका वियोग होने ही वाला है और हो ही रहा है, क्यों ना मैं अभी से उसका वियोग मानकर देखकर भगवान के नाम में और भक्ति में अपना मन लगाऊं। प्रपंच में अधिक उलझूं क्यों, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रही है, उधर नजर न रखकर मैं खुद क्या कर रहा हूं। इतने साल मैंने दूसरों को देखते गवाए, मैं खुद को कब देखूंगा। अणु विज्ञान के रचयिता मिस्टर आइंस्टाइन ने बहुत बढ़िया बात कही। आइंस्टाइन जब अंतिम श्वास गिन रहे थे तो उनसे किसी ने पूछा कि अगर आपको भगवान दोबारा जीवन दें तो आप क्या भगवान से मांगेंगे और क्या करना पसंद करेंगे। आइंस्टाइन ने कहा कि भगवान अगर मुझे दोबारा जीवन देंगे तो मैं अपनी खोज करूंगा कि मैं कौन हूं। मैंने आज तक बाह्य जगत में रिसर्च बहुत की, अब मैं अपनी रिसर्च भी करूंगा कि मैं कौन हूं। मैंने दूसरों पर नजर रखी, खुद पर कब रखूंगा। मैंने दूसरों की जानकारी बहुत ली, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, उधर क्या हो रहा है, उधर, पर यहां क्या हो रहा है वो भी तो देख। कितना तेरा समय बीत गया और कितना बीता जा रहा है, और उस पसार होने वाले समय में हम जो कर रहे हैं उसका फल किसको भोगना पड़ेगा। बोले मैं मेरे कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, कर्तव्य किसको बोलते हैं वो पता ही नहीं है। जो करने योग्य है वही करना, जो न करने योग्य है वो न करना, वो कर्तव्य है। न करने योग्य करते रहना वो अकर्तव्य है। अकर्तव्य से परे रहकर कर्तव्य का पालन जीवन में करना और साधन परायण होना, असाधन से दूर रहना। सत्संग को, सदगुरु की दीक्षा को खूब महत्व देना। हवाई जहाज जा रहा था फुल स्पीड से, तो एयर होस्टेस ने पैसेंजरों को सूचना दी कि एक बहुत बुरी खबर है। पैसेंजर घबराए, एसी चल रहा था जहाज में पर पसीना आ गया,
क्या बुरी खबर है? एयर होस्टेस बोली कि दिशा सूचक यंत्र हमारे जहाज का खराब हो गया है, अब जहाज किस दिशा में जा रहा है पता नहीं चल रहा, और जहाज कहां उतारना यह भी पता नहीं चल रहा है। पैसेंजर घबराए कि अब क्या होगा। इतने में वो परिचारिका बोली कि एक अच्छी खबर भी है। खुश हो गए कि क्या अच्छी खबर है? बोले अच्छी खबर यह है कि हम जहां भी जा रहे हैं बहुत स्पीड से जा रहे हैं, अब कहां जा रहे हैं पता नहीं, जहाज कहां उतारना पता नहीं, पर बोले जहां भी जा रहे हैं बहुत तेज गति से जा रहे हैं। अब दिशा का पता नहीं तो गति क्या करेगी जीवन में? पेट्रोल खत्म हो जाएगा फिर? विज्ञान इंसान को गति देता है, सदगुरु की दीक्षा वो व्यक्ति को दिशा देती है, सही दिशा जो कल्याणकारी है, जो उन्नति करती है, लौकिक और अलौकिक। इसलिए जीवन में शुभ का स्थगन करने की आदत जो पुरानी है, उस पुरानी आदत को छोड़ने का अगर ठान ले कोई व्यक्ति तो वो आदत छूट भी सकती है। जैसे शराब पीने की आदत कोई छोड़ना चाहते हैं तो कईयों की छूट भी जाती है, बीड़ी और तंबाकू की आदत जो छोड़ना चाहते हैं उनकी छूट भी जाती है। ऐसे ही शुभ को कल पर टालने की आदत जो पुरानी है वो भी अगर छोड़ना चाहें तो छूट सकती है। धर्मराजा युधिष्ठर के पास एक याचक आया, ब्राह्मण, कुछ मांगा तो युधिष्ठर ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप कल आना, मैं कल वो चीज आपकी सेवा में हाजिर कर दूंगा। ब्राह्मण तो ठीक है कहकर जाने लगे तो भीम ने नगारा बजाना शुरू कर दिया, जोर जोर से भीम नगारा बजाने लगे। तो युधिष्ठर ने पूछा कि किस बात की खुशी में नगारे बजा रहे हो? भीम ने कहा कि मेरे भाई ने काल पर विजय पा ली इसलिए मैं नगारा बजा रहा हूं। युधिष्ठर समझ गए कि मैंने उस ब्राह्मण को कहा कि कल ये अच्छा काम कर देंगे। अच्छा काम कल पर नहीं टालना चाहिए, शुभ का स्थगन वो बहुत घातक हो सकता है। और हमारे यहां कई लोग शुभ को टाल रहे हैं। अभी क्या चलिए, अभी क्या जल्दी है, अभी क्या जल्दी है, अभी तो जवानी है, खाओ पियो मजा करो। नहीं, क्या भरोसा है इस जिंदगानी का? आदमी बुलबुला है एक पानी का, पानी के बुलबुले की आयु कितनी? ये कर लूं, जरा ये कर लूं, बस मेरा ये उद्देश्य है, मेरा ये उद्देश्य है, मेरे को एक बार बस ये बन जाना है, मेरे को एक बार बस यूके का वीजा मिल जाए, स्टडी वीजा, वहां जाकर पढ़ूंगा और पाउंड भी कमाऊंगा। यूएस का वीजा मिल जाए तो वहां पढ़ूंगा और बाकी के टाइम में डॉलर कमाऊंगा। पर भाई साहब ये भी सोचना, गुरु नानक देव ने एक बार अपने दो शिष्यों को बुलाया, बाला और मर्दाना। मर्दाना को पूछा, क्यों बेटा एक सवाल का जवाब तो दे, तू मौत को कितनी दूर देखता है? उसने कहा, गुरुजी आधा दिन बीत चुका, देख लिया आधा दिन, अब बाकी का आधा दिन देखना नसीब है कि नहीं कोई पता नहीं। गुरु नानक देव ने कहा कि तू भी मौत को बहुत दूर जानता है। बाला को पूछा, तू बता मौत को कितनी दूर तू जानता है? बोले, गुरुजी यहां बैठे हैं, यहां से सोचे कि हम अमुक जगह जाएंगे पर जाते जाते रास्ते में ही प्राण निकल जाएं, क्या पता। गुरु नानक देव ने कहा कि बेटे तू भी मौत को बहुत दूर जानता है। श्वास लिया तो आदम, श्वास बाहर छोड़ा और अंदर ना आया तो नादम, श्वास लेकर छोड़ा तो क्या पता वो अंदर आएगा कि नहीं। ये सोचकर गुरु नानक देव ने कहा, डरना नहीं है, व्यक्ति को अपना विवेक बढ़ाना। और भगवान में प्रेम बढ़ाना, सर्व रोग की औषध नाम, सभी रोगों की औषधि भी भगवान का नाम है। और वो भगवान का नाम सदगुरु के मुख से दीक्षा में मिल जाए तो कहना ही क्या। आप सोचिए जरा, एक आदमी के घर पर
टिंचर की शीशी नीचे गिरी, टूटी तो टिंचर ढुल गया। टिंचर होता ना, खून निकला हो लगाओ तो खून बंद हो जाता है, तो शीशी ढुल गई। तो वो चिल्लाया पति पत्नी को, चाकू ला जल्दी चाकू ला, सुनती नहीं तू, बहरी हो गई, चाकू लेके आ जल्दी, टिंचर ढुल गया है, शीशी टूट गई उसकी। पत्नी को हुआ, टिंचर की शीशी टूट गई ढुल गया तो इसमें चाकू क्यों मंगा रहे। वो ले आई चाकू, तो उसने अपनी हाथ को चीरना शुरू कर दिया, कलाई को चाकू से चीरने लगा, और जब खून बहुत निकलने लगा तो जमीन पर जहां टिंचर ढुला हुआ था वहां रगड़ने लगा कि टिंचर का सदुपयोग कर रहा हूं, खून निकला है, टिंचर ऐसे ही क्यों जाने दूं। अब टिंचर की शीशी बाजार में से दूसरी मिल जाएगी, अपना खून क्यों बहा रहा है। आपको लगेगा कि आदमी बेवकूफ है, पर खोजने जाने की जरूरत नहीं है कि वो कहां रहता होगा। दुनिया में बहुत लोग ऐसा ही कर रहे हैं, श्वासों के हीरे गंवा देते हैं तुच्छ कंकड़ और पत्थर इकट्ठे करने में। सोचते हैं कि हमने ये कमा लिया, हमने ये कमा लिया, हमने ये पा लिया। पर हनुमान जी कहते हैं, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तब ही सुखाही। जिन नदियों का मूल सजल नहीं है, वो नदियां बरसात की सीजन पूरी होने पर सूख जाती हैं। गंगा देखो, गंगोत्री से जुड़ी है, पानी कितना है उसमें। यमुना यमुनोत्री से जुड़ी है, गोदावरी ब्रह्मगिरी पर्वत से जुड़ी है, नर्मदा अमरकंटक से जुड़ी है, सजल है। मूल सजल है तो नदियों में जल है। उसी प्रकार हमारा मूल ईश्वर है। अगर हम ईश्वर से जुड़े न रहे और मनमुख होकर मेरा तेरा करते रहे तो फिर बरस ही गए पुनि तब ही सुखा। नदी अपने मूल से जुड़ी रहती है तो उसमें पानी रहता है, नहर अपने मूल से जुड़ी रहती है तो सूखती नहीं है। हम भी जुड़े रहे, हकीकत में तो जुड़े हुए हैं ईश्वर से, केवल विस्मृति हो गई है। तो गुरु की दीक्षा और गुरु की विद्या से वो स्मृति जाग जाती है। देखो, एक होता है जुड़ा हुआ संबंध, एक होता है जुड़ा हुआ संबंध, ठीक है। जुड़ा हुआ संबंध है भगवान से और जुड़ा हुआ है संसार से। जन्म हुआ तो ये मेरी माँ, ये मेरा बाप, और माँ बाप ने बोला ये हमारा बेटा, चाचा चाची आए बोले हमारा भतीजा, मामा मामी आए तो बोले हमारा भांजा,